नहीं 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 आप काटिए, अरे 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 आप सब सब लोग मिल के काटे, अजय 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 अब सब मिल जाएंगे तो कटेगा कटेगा। यही है यहाँ पे देखे भोजन भैया होली का गाना जो आएगा इनका उसका दो को गाना का पैसा देंगे एकदम। आइए यहाँ का जो मैन जो हम किए हैं जो लोग शुरू किया है हाँ वो बताओ वो चीज जरूरी है। हाँ देखिए देखिए तो सबसे पहले तो सभी हाँ। लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाले और यहाँ तक आए। जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं ये बचपन से ही दिमाग में बात है। आइए आइए आप नहीं ना है इस गठबंधन में आप उधर है इन दोनों को एक साथ रहने दीजिए हमारे दोस्त में हाँ ठीक है तो गठबंधन तो इन दोनों का हुआ है ना। तो बहुत दिन से ये सोशल वर्क काम कर रहे हैं लोगों के सेवा कर रहे हैं ये काम करते हुए यही अनुभव हुआ है जो कुछ ऐसे लोग जो बिखरे हुए हैं समाज में मेरे ही समाज के लोग हैं जो बिखर गए हैं अपनों से उनको सहारा देने का काम हम पिछले 2015 से कर रहे हैं और आगे चल के जीवन भर मैं अपना पूरी जीवन समर्पित कर दिए हैं लोगों को सेवा करने के लिए बुजुर्ग लोगों को सेवा करने के लिए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद पहुंचा सके सेवा दे सके आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सके। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग सबका साथ सबका विकास आप लोग का साथ तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये जो है संस्था ये हम मंदिर खोल देखिए कमाल की बात है। एक मिनट गांधी जी डायलॉग बोल रहे हैं आप मोदी जी का और टाइटल लगाए हैं आप गांधी जी का और दोनों आदमी गुजरात के थे बताइए आप तो सही है कि नहीं सबका साथ सबका विकास डायलॉग बोल रहे हैं मोदी जी का और टाइटल लगा लिए गांधी जी का नहीं तो विरोध चालू हो जाएगा। मतलब मैं तो ये यहाँ पर मैं ये कहूँगा कलाकार एक कलाकार एक थिएटर का कलाकार एक रंगमंच का कलाकार एक साहित्य का जो है लिखने वाला वो समाज को बेहतर क्या दे सकता है इसे इसका जीता जाता उदाहरण है मीना गुप्ता और गांधी जी चूँकि दोनों मेरे साथ हमारा संस्था में आए थे नाटक किए थे आज भी नहीं मेरे साथ नाटक कर रहे हैं मैं रंगकर्म ही करता हूँ तो वहाँ से इन लोगों को मतलब एक नाटक के द्वारा थिएटर के द्वारा इन लोगों को ये लगा कि कुछ कुछ अलग से कुछ काम किया जाए तो ये आज भी थिएटर कर रहे हैं और थिएटर के साथ साथ ये समाज सेवा कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात और बड़ी बात क्या हो सकती है। एक बात और बता देते हैं जब हम पटना आए थे जब रोटी के लिए हम तरस रहे थे भूखे थे एक सप्ताह भूखे रहते थे पानी पी के पेट पुनिए सोते थे तो हमको पता चला जो कहीं कलाकार की ज़रूरत है तो कहाँ ज़रूरत है तो प्रयास संस्था में तो हम यही मेंटलिटी दिमाग में उठा के गए थे जो पैसा मिले ना मिले कम से कम तीन टाइम के भोजन मिल जाएगा ना अपना ज़िंदगी हम गुजार देंगे। आज बहुत बड़ी बात है जो हम दूसरे के लिए रोटी का व्यवस्था करते हैं
ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण ही आज हम यहाँ तक हैं। ये हमारे कारण, हम तो मैं तो स्कूल का मास्टर हूँ और हमारे 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 इस 40 साल में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आज फिल्म इंडस्ट्री में गए आए गए ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो मैं तो मास्टर हूँ। और अब हमारे जो 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 छात्र हैं वो कहाँ जाते हैं, कोई आइस बनता है, कुछ होता है, मास्टर मास्टर है। और मुझे खुशी होती है, हर बाप को खुशी होती है कि मेरा बेटा हमसे आगे बढ़े, हर शिक्षक को हर गुरु की खुशी होती है कि चेला हमसे आगे बढ़े। हर गुरु चाहता है कि हमसे आगे बढ़े। आज विद्यार्थी है और भैया का आशीर्वाद है कि इनके गाना में उनको भी मौका मिला था। आप तो दिल की बीमारी है गाना में भैया के साथ हमने परफॉर्म किया था, अच्छा गाना चला था, हम लोग भी थिएटर से आए हुए थे। तो चलिए तो एक कड़वा सवाल भी पूछ देते हैं इनसे कि तो गाना गाते ही हैं सब प्रकार का, होली होली सब चीज़ का, लेकिन जो माता पिता को बच्चे छोड़ दे रहे हैं उनके ऊपर कब गाना बनाइएगा एक? जी भैया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधु, गांधी जी, गांधी जी की धर्मपत्नी और भाई मनीष कश्यप, गांधी जी का पूरा नाम हुआ रखिए, नहीं तो लोग कहेंगे कहां से गांधी जी जिंदा हो गए और उनकी धर्म पत्नी भी साथ में। राकेश कुमार गांधी है ना नमः। आज आश्रम के एक उद्घाटन है और हम लोग इस पावन मौके पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा शूटिंग रहे लेकिन हम कहने कि भाई के किना आयल जाइए और भाई से भी कहने कि ना चल जाइए, वहाँ चल चल बहुत जरूरी बात है। एक गाना वृद्धा आश्रम पे मेरा आ रहा है, उस दिन भी हम कहें कि गाना हम गाएंगे, गाना गा भी चुके हैं, सिर्फ शूटिंग करना बाकी है। तो कुछ सीन यहाँ का भी लिया जाएगा जो माता पिता हैं ओरिजिनल, जो एक दुख दर्द में हैं। माँ बाप क्या है, वो एक ब्रिज है, ब्रिज की जड़ है। अगर ब्रिज की जड़ को ही काट दिया जाए तो फिर कोई नहीं रह सकता, हरा भरा हो ही नहीं सकता है। तो माँ बाप का सभी लोग को सेवा करना चाहिए, माँ बाप हैं तो हम लोग। एक गाना मेरा था कि माँ तो माँ है, माँ से जहाँ है, माँ से बढ़कर कोई कहाँ है। माँ तो माँ है, माँ से जहाँ है, माँ से बढ़कर कोई कहाँ है। माँ है तो हम लोग हैं, इसलिए एक बार बोलिए अपने अपने माता की जय। पिताजी की भी जय, माता पिता दोनों की जय, दोनों की जय। एक्चुअली धरती पर तो भगवान का रूप वही है। आइए इधर सर, इधर चले गुंजन भैया। ये रोड पे ही भटक रहे थे तो इनको यहाँ लाया गया है। इनके साथ भी समस्या है, जो कहाँ काम कर रहे थे, पटना कॉलेज। तो कितना दिन से आपको वेतन नहीं दिया गया? चार साल से वेतन नहीं दिया है। इनका बेटा लोग अपने के दिन से भरने तैयार है। तो सर सभी वीडियो लोड किए थे? हाँ, साथ में ही रहते थे। लोगों का सहयोग मिलते जाएगा यहाँ पर।